हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का चैप्टर 10, दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। सो राइट डाउन टॉपिक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड चैप्टर 10, दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। जानते हैं मतलब कि फ्लूइड होता क्या, व्हाट इज फ्लूइड। ठीक है, तो लिखिए टॉपिक हेडिंग पे फ्लूइड। तो फ्लूइड्स का डेफिनेशन हो जाएगा, फ्लूइड्स आर दोज सब्सटेंस या दोज मटेरियल्स विच कैन इजिली फ्लो। जो फ्लो हो सके उसे क्या बोलते हैं, उसको हम फ्लूइड बोलते हैं। जो फ्लो हो सके उसको बोला जाएगा बच्चों फ्लूइड। अगला पॉइंट फ्लूइड के बारे में क्या लिख सकते हैं कि दे टेक शेप ऑफ कंटेनर इन विच they are kept। जिस कंटेनर में हम इसको रखते हैं उस कंटेनर का ये शेप ले लेते हैं। और एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं, they do not show any reaction to shear force या against shear force। ठीक है, तो एक एक करके तीनों पॉइंट देखिए सही बच्चे। फ्लूइड क्या है, फ्लूइड वो सब्सटेंस है जो कि इजीली फ्लो कर सकता है। जो फ्लो कर सकता है उसको फ्लूइड बोलते हैं। वो बहुत इजीली उस कंटेनर का शेप ले लेते हैं जिस कंटेनर में हम इनको रखते हैं। और तीसरी पॉइंट, ये शियर फोर्स का रेजिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ फ्लूइड की बात करेंगे, लिक्विड एंड गैसेस। लिक्विड और गैस जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लूइड। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। एग्जांपल ऑफ फ्लूइड आर लिक्विड एंड गैसेस। आई होप सबने लिख लिया होगा। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वो है कि फ्लूइड हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। तो फ्लूइड वाले चैप्टर को बच्चों हम लोग तीन पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। ऐसे ब्रेक करके स्टडी करेंगे तो आसान होगा अपने को समझने के लिए। एक होगा फ्लूइड स्टेटिक्स। दूसरा होगा फ्लूइड डायनामिक्स। तीसरा होगा सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। ठीक है, तो ये तीन पार्ट में हम इस चैप्टर को ब्रेक कर सकते हैं, फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स एंड सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। अब देखिए फ्लूइड स्टैटिक्स में है हम लोग क्या पढ़ेंगे, फ्लूइड स्टैटिक्स में हम लोग सिर्फ उन फ्लूइड्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि रेस्ट पे है। ठीक है, सिर्फ उन फ्लूइड्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि रेस्ट पे है, जैसे रुका हुआ पानी। कहाँ पढ़ेंगे हम लोग, फ्लूइड स्टैटिक्स में। ठीक है, स्टडी ऑफ फ्लूइड्स एट रेस्ट। रेस्ट पे जो फ्लूइड है उनके स्टडी को हम लोग फ्लूइड स्टैटिक्स में पढ़ेंगे। अब किसी कंटेनर में पानी रखा हुआ है या पेट्रोल रखा हुआ है और वो कंटेनर मूव कर रहा है, तो वहां पे भी उसको हम फ्लूइड स्टैटिक्स में ही रखेंगे। समझ में आ रहा है आपको, फ्लूइड जो है वो रुका हुआ होना चाहिए।
पाइप के अंदर वो फ्लो होने वाला पानी, रिवर के अंदर फ्लो होने वाला पानी, ये फ्लूइड डायनामिक्स में हम लोग पढ़ा जाएगा। जो रुका हुआ पानी है कंटेनर के अंदर रखा हुआ है, भले कंटेनर मूव कर रहा हो लेकिन वाटर उसके अंदर क्या होना चाहिए, वेस्ट में होना चाहिए, उसको हम लोग फ्लूइड स्टैटिक्स में मूव करेंगे पढ़ेंगे। फ्लूइड डायनामिक्स में स्टडी ऑफ मूविंग फ्लूइड पानी जो बह रहा है, पानी जो आगे बढ़ रहा है, पाइप में फ्लो कर रहा है, जो पानी फ्लो कर रहा है उसके स्टडी में कहां पढ़ेंगे, फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ेंगे। सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी एकदम डिफरेंट टाइप का टॉपिक हो जाएगा वो थोड़ा सा आपको, तो उस टाइम जब वहां पर चलेंगे तो उसको डिटेल में आपको बताऊंगा सरफेस टेंशन क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफर्ड बाय फ्लूइड, ठीक है। जैसे वाटर का ऊपर वाला जो सरफेस है वो क्या होता है, वो स्ट्रेस्ड होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको सरफेस टेंशन बोलते हैं। या वाटर जो फ्रिक्शन या फ्लूइड कोई भी फ्रिक्शन जो अप्लाई करता है उसको लोग विस्कोसिटी बोलते हैं। सॉलिडिफिकेशन फ्रिक्शन था, वैसे फ्लूइड क्या, जैसे मान ली वाटर के अंदर हमने एक स्फीयर को पुट किया तो वाटर भी क्या करेगा, उसके ऊपर फ्रिक्शन ऊपर की तरफ अप्लाई करेगा उसके मोशन के अगेंस्ट में, उस वाले फोर्स को बोलते हैं विस्कस फोर्स, और उस वाले प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं। तो जब ये टॉपिक आएगा उस टाइम इसको मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा। जल्दी से ये डिवीजन लिख लीजिए, इस चैप्टर का ये डिवीजन है, इस वे में अपने को सीक्वेंस फॉलो करना है। ओके बच्चों, सो स्टार्टिंग विद फ्लूइड स्टैटिक्स, स्टार्टिंग विद फ्लूइड स्टैटिक्स। तो फ्लूइड स्टैटिक्स में सबसे पहले बच्चे हम लोग देखेंगे क्या, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड के बारे में, ठीक है। जैसे जो चीज वो पैरामीटर्स जिससे फ्लूइड का हम मोशन स्टडी कर सकते हैं या फ्लूइड के बारे में स्टडी करेंगे उसको, उस पैरामीटर्स के बारे में स्टडी करेंगे। उस पैरामीटर्स में क्या आएगा, डेंसिटी आएगा, प्रेशर आएगा, तो एक एक करके लिखते हैं। सबसे पहले डेंसिटी की बात करते हैं, density, it is denoted by rho, density is denoted by rho, और ये क्या हो जाएगा, इसका definition हो जाएगा ratio of mass per unit volume is called density, या फिर mass per unit volume is called density, and density वो जो कितना हो जाएगा, डेंसिटी हो जाएगा मास बाय वॉल्यूम के इक्वल, ठीक है। अगर इसको आप रो से डिनोट करते हैं दिस विल बी इक्वल टू एम बाय वी। ओके, अब इसके यूनिट में चलते हैं, तो डेंसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, तो देखिए यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या हो जाएगा, ये देखिए आप है मास पर यूनिट वॉल्यूम है ना, तो मास का यूनिट क्या होता है, मास का यूनिट होता है केजी, केजी और वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो केजी पर मीटर क्यूब। अब कुछ सब्सटेंस हैं उनके डेंसिटी को आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है 1000 केजी पर मीटर क्यूब, याद रखना पड़ेगा आपको। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है 1000 केजी पर मीटर क्यूब, जल्दी से नोट कीजिएगा। डेंसिटी ऑफ H2O वाटर पानी 1000 केजी पर मीटर क्यूब। डायमेंशन अगर आपको फाइंड करना हो डेंसिटी का, वो भी बहुत इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। डेंसिटी का डायमेंशन देखिए कैसे फाइंड होगा, क्या है मास बाय वॉल्यूम है ना, तो मास का एम और वॉल्यूम का एल क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं m1 l -3 d0, इसी डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। ओके, अगला पॉइंट है बच्चों रिलेटिव डेंसिटी, नेक्स्ट वन इज रिलेटिव डेंसिटी, तो इसको मिटाता हूं मैं। नेक्स्ट वन इज रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी ये हो जाएगा, इट इज रेशियो ऑफ density of a substance
तो डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, एट 4 डिग्री सेल्सियस मतलब रिलेटिव डेंसिटी, इसको हम लोग आर डी से डिनोट करेंगे, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू डेंसिटी ऑफ वाटर, टू डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर का डेंसिटी कितना पे, तो एट 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का जो डेंसिटी होगा उससे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला। अब देखिएगा इसके यूनिट की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर भी डेंसिटी है नीचे भी डेंसिटी है, तो ऊपर का भी मीटर केजी पर मीटर क्यूब, नीचे भी केजी पर मीटर क्यूब, दोनों क्या करेंगे इसको कैंसिल कर देंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट पर लिख सकते हैं इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। रिलेटिव डेंसिटी जो होता है बच्चों वो क्या होता है, तो वो एक यूनिटलेस क्वांटिटी होता है। फास्ट नोट करेंगे तो मेरे ख्याल से अभी तक का एकदम बेसिक है, आपको क्लियर हो गया होगा डेंसिटी क्या होगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम, रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू डेंसिटी ऑफ वाटर। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। तो ये भी बहुत आसान है बच्चों, मिक्सर का डेंसिटी कैलकुलेट करना। देखो क्या होता है, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर रो मिक्स से इसको डिनोट कर रहे हैं, विल बी इक्वल टू डेंसिटी का मास बाय वॉल्यूम, और डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इक्वल टू मास ऑफ मिक्सचर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, ठीक है। तो डेंसिटी इक्वल टू, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इक्वल टू रो मिक्स डिवाइड बाय वॉल्यूम मिक्स, नोट कर लीजिएगा। रो मिक्स क्या हो गया, रो मिक्स इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ लिक्विड्स, एम मिक्स इक्वल्स टू एम मिक्स इक्वल्स टू मास ऑफ मिक्सचर, एंड वी मिक्स इक्वल्स टू, वी मिक्स इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, ठीक है। ओके इसको रो मिक्स फॉर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, एम मिक्स फॉर मास ऑफ मिक्सचर, वी मिक्स फॉर वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। अब चलिए इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सो आई होप सबने लिख लिया होगा, जो बच्चे नहीं नोट कर पाए होंगे वो क्या करेंगे, वो वीडियो को पॉज करेंगे, देन पहले नोट करेंगे फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन इज टू लिक्विड्स of density rho one and rho two are mixed in equal masses, are mixed in equal masses, equal masses में क्या किया दोनों को हमने mix किया है, then find, then find density of mixture, then find density of mixture। तो देखिए बहुत आसान है इसको सॉल्व करना, अपने को चाहिए देखो बच्चों गिवन पहले क्या दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, गिवन क्या क्या है, तो देखिए density of फर्स्ट लिक्विड दिया हुआ है कितना, रो वन। सिमिलरली डेंसिटी ऑफ सेकेंड लिक्विड कितना है, रो टू, एंड दोनों को इक्वल मासेज में मिक्स किया हमने, यानी मास ऑफ फर्स्ट लिक्विड इक्वल्स टू मास ऑफ सेकेंड लिक्विड, मीन्स एमओ वन इक्वल्स टू एम टू इक्वल्स टू एम, मतलब मास ऑफ फर्स्ट लिक्विड अगर M1 एज्यूम करते हैं, मास ऑफ सेकंड लिक्विड अगर M2 एज्यूम करते हैं, तो दोनों का वैल्यू इक्वल है। अब इक्वल है तो इसको हमने क्या कॉमन नाम दे दिया, कितना M।
अपने को चाहिए बच्चों डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, देखिए कितना आसान है, अपने को चाहिए डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, वी नो दैट रो मिक्स इक्वल्स टू एम मिक्स डिवाइडेड बाय वी मिक्स, ठीक है, रो मिक्स अपने को चाहिए, एम मिक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, एम वन दिया हुआ है, एम टू दिया हुआ, दोनों को एड कर देंगे तो एम एक्स निकल जाएगा। वी मिक्स कैसे फाइंड करें, तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, रो मिक्स इक्वल्स टू एम वन प्लस एम टू डिवाइडेड बाई वी वन प्लस वी टू, वी वन एंड वी टू आर वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट लिक्विड एंड वॉल्यूम ऑफ सेकेंड लिक्विड। अब अपने को वी वन और वी टू का वैल्यू नहीं मालूम, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले वी वन और वी टू का वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है, देखिए कैसे फाइंड करेंगे। बेसिक डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी का होता है रो इक्वल्स टू एम बाई वी होता है, तो फॉर फर्स्ट लिक्विड हम लोग क्या लिख सकते हैं, रो वन इक्वल्स टू एम वन बाई वी वन, सो दिस इंप्लाइज वी वन इक्वल्स टू एम वन बाई रो वन, एम वन बाई रो वन। अब इसको हम लिख सकते हैं एम वन कितना है, तो एम वन तो एम है, एम वन का वैल्यू कितना है एम है, और रो वन का वैल्यू कितना है रो वन है। ऐसे अपने को फर्स्ट वाले लिक्विड का क्या मिल गया, वॉल्यूम मिल गया। सिमिलरली वी कैन फाइंड वॉल्यूम ऑफ सेकेंड लिक्विड, सिमिलरली फॉर सेकेंड लिक्विड, सिमिलरली फॉर सेकेंड लिक्विड, सेकेंड लिक्विड के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिएगा फॉर सेकेंड लिक्विड वी कैन राइट दैट वी टू इक्वल्स टू एम बाई रो टू। ओके, अपने को V1 का रिलेशन आ गया, अपने को V2 का रिलेशन आ गया। यहां तक जल्दी से थोड़ा सभी बच्चे फास्ट नोट कर लेंगे, फिर आगे चला जाएगा। ओके, इसके आगे क्वेश्चन को मैं बच्चों इधर सॉल्व कर रहा हूँ, आई होप ये वाला पार्ट विजिबल होगा, यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो अपने को चाहिए था रो मिक्स इक्वल्स का किसके, मास ऑफ मिक्सचर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, तो ये इक्वल आ रहा था मास ऑफ मिक्सचर एम वन प्लस एम टू वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर रो वन प्लस रो टू। अब इसमें फिर रखते हैं एम वन कितना है, तो एम वन तो एम है, एम टू कितना है, एम टू भी एम है, रो वन कितना है, तो रो वन है बच्चों एम बाई रो वन, सॉरी मिक्स वन, तो वी वन प्लस वी टू, तो वी वन का वैल्यू कितना है, वी वन का वैल्यू है एम बाई रो वन, और वी टू का वैल्यू कितना है, वी टू का वैल्यू है एम बाई रो टू। जब इसको हम लोग सोल्व किया जाएगा तो ऊपर आ जाएगा टू एम डिवाइडेड बाई, इधर से हमने एम कॉमन ले लिया, रो टू प्लस रो वन बाई रो वन रो टू, एम से एम कैंसिल, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कहां चल जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो यहां से अपने को मिलेगा रो मिक्स इक्वल टू ट्वाइस रो वन रो टू डिवाइडेड बाई रो वन प्लस रो टू, रो मिक्सचर इक्वल टू ट्वाइस रो वन रो टू डिवाइड बाई रो वन प्लस रो टू। थोड़ा फास्ट सभी बच्चे नोट कर लें, density of mixture,
देन फाइंड डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, ये वाला काम आपने करना है। टू लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो वन एंड रो टू, रो वन और रो टू का दो लिक्विड है, उसको इक्वल वॉल्यूम में हमने मिक्स किया है, देन मिक्सचर का डेंसिटी क्या होगा ये आपको फाइंड करना है। दिस क्वेश्चन विल बी योर होमवर्क। बहुत आसान है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ इसको कैसे इसको आप सोल्व कीजिएगा। रो मिक्स अगेन कितना हो जाएगा, एम मिक्स डिवाइड बाई बी मिक्स। अब इस बार बच्चों इक्वल वॉल्यूम में मिक्स किए हैं, इसको कितना लिखेंगे, एम वन प्लस एम टू डिवाइड बाई बी वन प्लस बी टू। तो बी वन बी टू तो इक्वल है, बी वन बी टू इक्वल है, रो वन रो टू भी दिया हुआ है, मतलब आपने यहाँ पे एम वन और एम टू का वैल्यू कैलकुलेट करना होगा, ठीक है ना। क्या होता है रो इक्वल टू एम बाई बी, तो यहाँ से एम वन इक्वल क्या लिख सकते हैं, रो वन इंटू बी वन, और एम टू का वैल्यू कितना जाएगा रो टू इंटू बी टू, और बी वन बी टू का वैल्यू क्या है इक्वल है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं रो वन भी और इसमें लिखते हैं रो टू भी। अब वैल्यूज यहाँ पे ला करके रखिए, सोल्व कीजिए, बहुत आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। एम वन इक्वल टू रो वन भी, एम टू इक्वल टू रो टू भी, बी वन इक्वल टू भी, बी टू इक्वल टू भी, इसको सोल्व करेंगे पड़ेगा रो वन प्लस रो टू बाई टू, दिस विल बी अवर आंसर। तो बहुत आसानी से इस वाले क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टूडे, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल फिजिक्स एडिक्शन।